लोड़ा बेटा, ओ सॉरी डोड़ा बेटा, वेलकम्स यू। पूरे 10 घंटे का सफ़र तय करने के बाद, करीबन 400 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद हम पहुँचे हैं कोयम्बटूर। अब यहाँ से हम जाएंगे ऊटी। इंट्रोडक्शन देना तो भूल गया, तो नमस्कार प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है अमित कुमार और आप देख रहे हैं मुझे इसे। देखो भाई, ऊटी पहुंचने के लिए कितनी खूबसूरत रोड है। ठंड लग रही है, ठंड बढ़ती जा रही है जैसे ऊपर पहुंचते जा रहे हैं। इतनी खूबसूरत रोड पर भी ये कैसे सो सकता है? चलो, जग तो गया है ये, मगर जगने से फायदा नहीं दिख रहा कोई। टॉय ट्रेन की पटरी, बस इस टॉय ट्रेन की सवारी करनी है मुझे। आ गए भाई ऊटी में, बड़ी ठंडा है इधर लेकिन मज़ेदार है। तो अभी हम जा रहे हैं रूम वूम देखने, बहुत महंगे रूम है इधर, लेकिन एक थोड़ा बजट में मिल गया वहीं जा रहे हैं। हेलो प्यारे दोस्तों, तो ना दो के तो प्यारे दोस्तों ना दो के तो हो गए हम तैयार, रूम में भी आ गए। और यार यहाँ पर रूम बहुत ज़्यादा महंगे मिल रहे हैं क्योंकि ये टूरिस्ट स्पॉट है और थोड़ा वैसा भी स्पॉट है, ठंडा है ना। तो अभी हम जाएंगे, कहाँ जाएंगे मुझे नहीं पता, बस चाह रहे हैं कहीं रास्ते में डिसाइड करेंगे कहाँ जाएंगे। तो अभी चलते हैं यहाँ से, है ना। हमारे इस रूम से नज़ारा कैसा लगता है बाहर का देखो, ये तो नज़ारा है हमारे रूम का, कबाड़ा कबाड़ा। अब तो मैं दिखाऊँ बाहर का, ये देखिए दोस्तों, खूबसूरत है ना। निकल तो आए हैं, चले जा रहे हैं, मगर ये नहीं पता जा कहाँ रहे हैं, बस चलते ही जा रहे हैं। भाई कुछ सोचा कहाँ ना, लेट्स सी, सोचा नहीं है बस ऐसे ही। हम आए थे बाइक रेंटल सर्विस, मतलब बाइक वाइक रेंट करने, कुछ है ही नहीं यहाँ पे। लोकेशन तो यहीं की दिखा रहा था गूगल मैप। एक आदमी से पूछा, वो कह रहा था कि ऊटी में बंद हो गई है, पहले कभी मिलती थी बाइक रेंट पे, अब नहीं मिलती, बाइक रेंट पे मिल नहीं रही है, अब घूमे कैसे, दिक्कत है। बस एक ही उपाय बचा है, अब टैक्सी। ये फिर से सो गया, जाम लगा हुआ है, तो कैब तो मैं पीछे छोड़ आई, थोड़ी देर में पैदल चलना होगा। ये तो नहीं जाएंगे लग रहा है, ट्रैफिक यार बहुत ज़्यादा कर दिया है। सुबह से कुछ भी खाया नहीं है, भूख लगी है बहुत तेज, यहाँ पे कुछ खा लेते हैं। ब्रेड ऑमलेट मैगी, वन प्लेट मैगी एंड वन ब्रेड ऑमलेट। ये देख लो भाई, 10 रुपये की मैगी बनते बनते 60 रुपये की हो गई। लोड़ा बेटा, ओ सॉरी डोड़ा बेटा, वेलकम्स यू। ये ऊटी की सबसे ऊंची पीक है, यहाँ से आपको दिखेंगे बादल, पेड़, घास और ये लोग। बुरा लग रहा है थोड़ा, अकेले आने लायक जगह नहीं है ये। तो देख लिया भाई जितना देखना था, दो दो बेटा, दोड़ो बेटा, दोड़ा बेटा, जौन सा भी बेटा, बीच है सॉरी पीक है ये।
पता नहीं यार ड्राइवर कहाँ चला गया, मतलब कहाँ चले गए ड्राइवर साहब। फोन नंबर दिया, फोन मिला रहा है, उनका स्विच ऑफ आ रहा है। पहले मैं स्विच ऑफ, ओके देखते हैं कहाँ पे आया। ड्राइवर गायब और हम बैठे हैं यहीं पे। ट्रैफिक फंस गया था, नहीं मतलब ट्रैफिक बहुत था और गाड़ी फंस गई थी ट्रैफिक में, तो उन्होंने हमसे कहा कि तुम पैदल पैदल जाओ, मैं गाड़ी लगाता हूँ, नंबर ले लो, जब घूम के आ जाओ फ़ोन कर देना, मैं आ जाऊँगा। फ़ोन मिला रहे हैं, फ़ोन स्विच ऑफ, चल लूटते हैं, चलाया आई टी उस गाड़ी ढूंढनी है, पता नहीं कहाँ चले गए यार। ऐसे तो हम बहुत लेट हो जाएंगे, पता नहीं अभी बहुत सारी जगह घूमना है, 6:30 बजे तक की टाइमिंग है। जी और नहीं आ पाते अब, कहाँ का हमारा टाइम जाएगा, और भी जगह घूम लेते। नंबर दिया, बहुत बढ़िया नंबर दिया, स्विच ऑफ जा रहा है। होटल में लाया क्या करते आवाज़। किस्मत से हमारी नज़र इस गाड़ी पे चली गई, ये एकांत में गाड़ी लगा कर आराम कर रहे थे। अभी हम टी फैक्ट्री में जा रहे हैं और फैक्ट्री जाने से पहले ये बैच लगा दिया है। इधर एडवेंचर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें, जिप लाइन वगैरह हैं, ये सब बाद में देखेंगे। मेरे फ़ोन की मेमोरी फुल हो गई थी, थोड़ी खाली करके अब वीडियो बना रहा हूँ। ये देख लो चाय कैसे बनती है, चाय की हरी पत्तियों का कचूमर बना के फिर उसे सुखाया जा रहा है, फिर सूख के बन रही है काली चाय की पत्ती। यहाँ पर ये चाय भी टेस्ट करा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, चाय चलो। इधर ये चाय बेच भी रहे हैं, पता नहीं कौन कौन सी है, स्ट्रॉन्ग, ब्लैक, चॉकलेट, ग्रीन। टी फैक्ट्री के बाद अभी हम जा रहे हैं चॉकलेट फैक्ट्री, ये भी यहाँ पर चॉकलेट बेच रहे हैं मगर टेस्ट नहीं करा रहे। लगे हाथ इन्होंने कपड़ों का भी शोरूम खोल दिया, दिस इज बिजनेस। मौसम खराब हो गया, ठंड बढ़ गई, ठंड लग रही है बुरी तेज, बड़ी तेज, जल्दी आ जा। ये एडवेंचर में तो सबसे बढ़िया जिप लाइन है, और ये जिप लाइन ही बड़ी मज़ेदार लग रही है, मन तो कर रहा है करने का। रेट देख के आता हूँ कितने की है। ओके मैं एडवेंचर करे आया, मैंने जिप लाइन भी करी, बस मैंने वीडियो नहीं बनाई, अलाउड नहीं थी, सच में बहुत मज़ा आया। मौसम बिगड़ रहा है, बादल हो रहे हैं, बारिश कभी भी हो सकती है, लेकिन मज़ा आ रहा है, ठंडी ठंडी हवा है, ठंड भी लग रही है। इसकी यहाँ पे हल्की हल्की तबीयत बिगड़ती जा रही है। अभी हम आए हैं बोटैनिकल गार्डन, कहते हैं काफ़ी सुंदर गार्डन है ये। ये तो यार बहुत सुंदर लग रहा है देखने में, मतलब यार दूर से ही ऐसा लग रहा है। हाँ चलो तुम भी देखो। इसमें आम तो है ही नहीं। ठंड बढ़ गई है बुरी तरह से, मुझे ठंड लग रही है थोड़ी थोड़ी, और इसकी वजह से मुझे ठंड झेलनी पड़ी है। ये देखो भाई रुद्राक्ष का पेड़, इटालियन गार्डन, चलो इटालियन ढूंढने।
तोता मैना। यार तो बोटिंग कर रहे हैं सभी लोग, लाइन लगी हुई है बुरी तरह से, पैडल वाली बोटिंग, मोटर वाली बोटिंग, ऐसे खचाखच भर भर के लगे लाइन में, ऐसे ना भंडारा मिलेगा बोटिंग करते हुए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं बोटिंग नहीं कर पा रहा, इसकी वजह से ये ठंडे के हमारे मरा जा रहा है। खैर बोटिंग तो हम कर ही आए केरला में। ये भाई साहब निशाना लगाएंगे, अब 3 बॉल गिरा दी तो 100 रुपये मिल जाएंगे और बाकी के प्राइस लगे हुए हैं। बारिश हो रही है, मौसम एकदम ऐसा हो गया है। चोट मिल रही है इसे तो। कर लिया भाई होलोग्राम, लोलोग्राम जो भी था उसका एक्सपीरियंस बैठा दिया। ये तो वही बाइक है जो मुझे खूब घूम लिए, अब वापस चलते हैं रूम पे, शाम हो गई, रात हो जाएगी अब तो, अब कुछ खाएंगे पियेंगे और अब सोएंगे, अब कल का कल देखेंगे। इसकी तो यहाँ पर ठंड से थोड़ी तबीयत बिगड़ गई है, हल्का हल्का बुखार सा आ गया इसे। मिलते हैं फिर प्यारे दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मजे करते रहिए।